अभी शाम का बज रहा है 5। मैं जरा वीडियो को स्टार्ट करने सुबह का ब्लॉग में अभी से शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं अभी जा रही हूँ शाम का वीडियो स्टार्ट करने। और आज है और आज है 23 नवंबर और शाम का बजे 5 मैं जा रही हूँ वीडियो को स्टार्ट करने। मैं रूप का जो स्कूल जाने का वीडियो है वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि रूप बहुत ज्यादा ही रो रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा यानी मेरा वीडियो करने का कुछ मूड ही नहीं था रूप का मूड देख के, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज क्या करते हैं। ब्लॉग मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, तो चलिए देखते हैं वीडियो को। तो आप मेरे हाथ में ये जो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आज क्या बनाऊंगी। जी हाँ, सोचिए कि मैं आज बनाऊंगी तंदूरी चाय। उसके लिए मैंने ना 4 कप मंगवाया था, तो उसको मैं अच्छे से धो के उसको आग में आग में छेकना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा होता है आग में छेक लेना, तो उसी को मैं करूँगी और अच्छे से धो रही हूँ। मैंने यहाँ पर 4 कप मंगवाए थे हमारे चार मेंबर्स के लिए, तो और ये ज़्यादा फेमस है ये यूपी बिहार का ये वाला चाय तंदूरी चाय। हमारे आसाम में भी मिलता है तंदूरी चाय, और इस चाय ये वाला जो चाय है बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए मैं अच्छे से चारों ओर इसको अच्छे से टोस्ट कर लूँगी, तो इसको ना अंदर तक भी इसको छेकना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए एक एक करके मैंने सारा इसको छेक लिया है, देख सकते हैं आप। हमारे असम में इतना ठंडा नहीं है गिरा है, फिर भी ये चाय पीने का मजा इस मौसम में बहुत ही अलग है और ये चाय बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मेरा जो लगभग चाय है यानी तंदूरी छेकना वो, तो मेरा देखिए अच्छे से जो है वो छेकना हो चुका है और मैं दूध की सस्पेन में ही चाय बिठा दिया है मैंने। तो पहले इसको फुल स्टीम देके चारों को मैंने बिठा दिया है। अदरक को कूट लेती हूँ, आप जैसे घर पे चाय बनाते हैं वैसे ही बनाइए, लेकिन इसमें आप इलायची डाल सकते हैं। मैंने हम लोग यहाँ पर इलायची नहीं खाते हम लोग अपने घर पर, तो हम लोग अदरक वाली चाय ही पीते हैं। तो मेरा ये जो चाय है बन चुका है और मैं अलग से अपनी सासू माँ के लिए बिना चीनी की चाय निकाल लूँगी। और देखिए इसको तंदूरी कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सिंपल सा टिप्स है, आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और बहुत ही इजीली है ये। तो देखिए देखते ही मुँह में पानी आ जाता है तंदूरी वाली चाय। मैं आपको सामने से दिखाती हूँ, तो मेरा तो तंदूरी चाय बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको भी पीने का मन है तो आप भी आ जाइए। तो इसको कढ़ाई को मैं नीचे उतारूंगी क्योंकि थोड़ी सी गर्म है, तो हाथ में गर्म ना लग जाए, और मैं एक ट्रे पे निकाल लूंगी एक एक करके। तो मेरे जो सासू माँ के लिए मैं चाय निकाला था ना वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए नीचे से गिर गया। तो चलिए मेरा जो चाय है वो बन के रेडी हो चुका है, अगर आपको पीने का मन है अभी आ जाइए तंदूरी वाली चाय। और इसके साथ मिलूंगी बिस्किट को, बिस्किट और चाय हम लोग पियेंगे। तो इधर देखिए बच्चों के साथ बच्चा बनना बहुत ही ज़रूरी होता है। इधर गुड़िया एनी टाइम मुझे बोलती रहती है कि मम्मी आप मेरे साथ क्यों नहीं खेलती हो, तो आज मैंने इसके साथ खेल रही हूँ। बच्चों का साथ ना बच्चा बनना ही पड़ता है क्योंकि घर पे जब बच्चे हो तो। देखिए इधर देखिए रूथ क्या कर रहा है,
देखो क्या कर रहे रून, दूध क्या कर रहे उन? ये भगवान, ये क्या है साबुदाना साबुदाना? हाँ तो दीपावली तो चली गई है, लेकिन मेरी गुड़िया के लिए दीपावली अभी तक ख़त्म ही नहीं हुई है, तो बंदूक से ही खेल रही है सुबह से। और यहाँ पे देखिए हमारे अपने घर पे ना वो जियो फाइबर का नेट इंटरनेट लगा लिया है, क्योंकि कंप्यूटर चलने से ना बहुत ही नेट स्लो मारता है, तो इसीलिए बहुत ही ज़रूरी होता है ये जियो फाइबर। तो इधर रूद खेलने का बाद में इसको सारी जो ड्रेस है वो चेंज कर दिया है, क्योंकि गीला कर दिया था। तो ये जो देवर है मेरा, ये जो लड़का देख रहे हैं आप, ये मेरा देवर है। और मेरा जो पूजा, शाम का जो पूजा होता है वो भी कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैंने अपना ड्रेसअप चेंज कर लिया है। उसके बाद जितना भी कपड़ा है बाहर से ला के मैंने अब पछाड़ के उसको अलमीरा में रख रही हूँ। ज़्यादा कपड़ा नहीं है, बहुत ही कम कपड़ा है जो उसको मैं अलमीरा में रखूँगी। और जो थोड़ा सा ख़राब है, मतलब बिन धोया धुली हुई भी कपड़ा है यहाँ पे, तो उसको मैं साइड कर दे रही हूँ। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो रूद सारा कपड़ा गिरा दिया था आके। रूद ऐसा ही करता है, कुछ भी अच्छे से रखो तो उसको आके सारा गिरा के तहस नहस कर देता है, कपड़ा का उधर से इधर कर देता है, सब काम मेरा बिगाड़ देता है। आप कोई भी घर मेरा अच्छे से नहीं देखेंगे, कहीं भी मैं अच्छे से कपड़ा वपड़ा ठीक से रख देती हूँ, वो आके सारा कपड़ा मेरा गिरा देता है। और किचन में तो उसको मैं कभी लेके नहीं जाती। देखिए दोस्तों, बच्चों के साथ बच्चा बनना ही पड़ता है। और मैं वीडियो को करती हूँ अभी एंड, फिर मिलते हैं कल। कोशिश मेरी हमेशा रहता है कि मैं हम आपके साथ कंटिन्यू करूँ वीडियो को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल, बाय बाय।